नमस्कार दोस्तों। मुंबई सियासी गर्मी में तपती हुई दिखाई दे रही है और ये तपन कई तरह की है। इसमें राजनीति का तो एक पहलू है ही, इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद जो तीन केंद्रीय एजेंसियां इस समय अलग-अलग एस्पेक्ट पर जांच पड़ताल कर रही हैं और एनसीबी ने तो गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं और आज इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार हो सकती है। ऐसे में कंगना रनौत जो शुरू से ही नेपोटिज्म से लेकर के तमाम दूसरे एंगल पर इस पूरे प्रकरण को एक नई धार देती हुई दिखाई दी है और पूरा मीडिया भी फिर उसी रो में बहते हुए आज इस स्थिति तक आ गया है। लेकिन शिवसेना, उद्धव ठाकरे सरकार, संजय राउत जैसे लोग कटघरे में हैं और मुंबई पुलिस भी, उसकी कार्यप्रणाली भी, उसका तौर तरीका भी। मुंबई से मेरे साथ जाने माने पत्रकार, मार्मिक के पूर्व संपादक और लेखक चिंतक मनीषी भाव तौर से कर जुड़े हुए हैं। भाव, आपका स्वागत है। भाव, हाल में संजय राउत ने कंगना रनौत के बारे में जिन अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है उसको लेकर के सब तरफ से बहुत कटु आलोचनाएं सुनने को मिल रही हैं। जिन छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर के, जिन छत्रपति शिवाजी महाराज की ओट लेकर के वो एक जानी मानी फिल्म अभिनेत्री पर अटैक कर रहे हैं और गलत शब्दों का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, इस सब को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अगर आप संजय राउत या सामना की भाषा देखें तो इसमें कोई नई बात है नहीं। एक बात है कि ये यानी मराठी मीडिया में ये तो चलता रहा कि ये क्या भाषा है क्या, यानी आज नहीं उसके पहले 20-25 साल पहले से बाला साहब जो बोलते थे कुछ बातें एक्सेप्शन होती है। बाला साहब बोलते तो चल जाता था। मुझे याद है कि 2012 के जो बीएमसी के चुनाव थे महापालिका के, तो जी उस वक्त सब मराठी मीडिया ने बाला साहब के इंटरव्यू के थे, शायद वो उस समय के उनके लास्ट इंटरव्यू थे। तो निखिल वागले तो हमेशा इनसे संघर्ष करता रहा, जानबूझकर खुरापत निकालता रहा। उन्होंने वागड़े ने बाला साहब का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने बाला साहब को बोला था कि मुझे गाली दो। जी वागड़े ने बोला था कि आप गाली देते हैं, भाषण में भी गाली देते हैं, तो मुझे गाली दो। तो बाला साहब ने जो जवाब दिया था वो बड़ा मार्मिक था। वो जी गाली ऐसे अपने आप नहीं है, वो अंदर से आनी पड़ती। जब आपको जी बहुत सारा गुस्सा आता है, ये मैं इसलिए विस्तार से बोल रहा हूं कि जब पहले 1995 में शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी अलायंस की, तो उस वक्त मराठी के एक बड़े बुद्धिमान मेपू रेगे करके प्राध्यापक थे, बड़े चिंतक थे। उन्होंने ठाकरे ऐसी भाषा का बोलता, ठाकरे इस भाषा में क्यों बोलते हैं, ऐसा एक बड़ा बड़ा आर्टिकल लिखा था। उस पर चर्चा भी हुई थी और शिवसेना तो बोलती थी कि हमारी शिवशाही है, शिवसेना ओके बीजेपी अलायंस की गवर्नमेंट थी, वो उसको शिवशाही बोलते थे। तो उस वक्त एक शब्द बना था, ये कैसी शिवशाही, ये तो शिव्याशाही है, यानी गालियों का राज है। तो बिल्कुल बिल्कुल बाला साहब की जो भाषा, लेकिन बाला साहब जो भाषा बोलते थे कभी अपशब्द होते थे हमारे लिए, लेकिन वो इतने आराम से निकल जाते थे कि उनको लोग गाली नहीं मानते थे। नामदेव रसाल नाम के हमारे बड़े दलित कवि हो गए, उनके अगर पहला जो काव्य संग्रह था गोल पिठा, बोले आपको उसमें बहुत सारे अपशब्द मिलेंगे। लेकिन नामदेव मेरा दोस्त था, मैंने पूछा था उसको, तो बड़ा सम्मान हुआ था उस काव्य संग्रह का। तो उसने बड़ी
अच्छी इसका एक्सप्लेनेशन मुझे दिया था। वो बोले थे कि ये तो मैं मेरी माँ से सीखा हूं, मेरी माँ मुझे गलत कैसे सिखाए। तो उसने बोला था कि हमारे यहाँ अच्छी साफ सुथरी या सभ्य मराठी में जो रोटी होती चपाती उसको पोळी बोलते। तो नामदेव मुझे बोला कि मेरे घर में कभी रोटी को पोळी बोला ही गया नहीं, मैंने सुना ही मैं बचपन से, तो मैं इसको अश्लील बोलूं क्या? तो भाषा का वो तरीका होता है और जो उत्स्फूर्त आता है अपने आप से निकल आता है, तो वो गाली भी नहीं होती, वो गुणगान भी नहीं होता, लेकिन वो अपने आप आना चाहिए। जब आप जानबूझकर दूसरे का इंसल्ट करने के लिए बोलते और उसके पीछे अगर गुस्सा होता है तो ठीक है, वो गाली भी माफ होती है, लेकिन जब नहीं होता तब आप जानबूझकर गलत भाषा का इस्तेमाल करते होते। तो बाला साहब जो बोलते थे उसको ठाकरी भाषा बोला जाता था, बोले ये हमारी भाषा है, हम उसको ठाकरी भाषा बोलते। तो बाला साहब बोले वो अलग है, लेकिन आप अगर उनके पेपर के उनकी जगह संपादक बनकर बैठे तो आप उसका इस्तेमाल करना गलत होता है, क्योंकि आपकी भाषा उत्स्फूर्त नहीं होती। तो उस पर वो मेपुर के सर थे, उन्होंने बढ़िया लिखा था कि ये एक भाषा जो होती है उसमें एक होता है कि कुछ लोग होते हैं कि हमेशा गाली देते बैठते, तो जो गाली है उसकी धार ही निकल जाती है। आप बोलने अब आप दुनिया में अगर घूमते हो गए तो आपको बहुत सारे लोग ऐसी भाषा बोलते दिखाई देंगे, लेकिन जिसको बोलते हैं उसको गुस्सा भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि वो समझता है कि ये गाली नहीं है, इसके पीछे गुस्सा नहीं है। लेकिन कोई जानबूझकर ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है तो वो गलत होता है। तो इन्होंने जो बोला है वो जानबूझकर बोला है, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि इन्होंने गाली देनी चाहिए, इसके लिए ही कंगना ऐसा बर्ताव कर रही है। अब देखिए कि कंगना ने जो बोला है कि मैं भी मराठा हूं, जो उखाड़ना है उखाड़ फेंको, ये भी कंगना को शोभा देने वाली भाषा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो बोल रही है, वो क्यों बोल रही है? तो वो आपको उकसाना चाहती है। तो आप उसमें उधर कर आप अपशब्द यूज करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। अब आप राजनीति में है, आप सार्वजनिक जीवन में है, तो आपको हमेशा संभाल कर बोलना पड़ता है। यशवंतराव चव्हाण हमारे महाराष्ट्र के बड़े नेता थे, 60 के दशक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक शिविर हुआ था, तो उसमें उन्होंने बढ़िया बात बताई थी कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हो, आप राजनीति में हो, तो आपको क्या बोलना है ये पता नहीं होगा तो चल सकता है, लेकिन क्या नहीं बोलना है इसका तो पता जरूरी होना चाहिए। और आजकल के हम महाराष्ट्र के नेता देखते, पवार को खुद को यशवंतराव का विद्यार्थी मानते, उनका वारस मानते, वारिस मानते, लेकिन वो भी ये नहीं समझ पा रहे कि यशवंतराव जी ने क्या बताया था। वो बोल देते फिर उसमें फंस जाते। तो संजय राउत का ये जो बयान है उसको तो मैं जानता हूं, क्योंकि उसका पहला आर्टिकल ही मैंने छपवाया था, वो बात अलग है। तो उनकी बुद्धि कितनी है वो मैं जानता हूं, लेकिन अभी क्या होता है, आप किसी पद पर बैठ गए इसलिए हम बुद्धिमान नहीं होते। आप एक पेपर निकाल लो आप संपादक बन गए, इसलिए आप संपादक क्या बुद्धिमान नहीं बनते। तो ये तो बोल देते, कुछ भी बोल देते। मैंने अभी ये गवर्नमेंट बनी उस समय मैंने ब्लॉग पर एक आर्टिकल लिखा था, तो इसमें तो संजय राउत बहुत आगे आगे थे जी। तब मैंने बोला था, लिखा था कि अगर विदूषक जोकर जो होता है उसको आप चाणक्य बना देंगे, जोकर जो है उसको आप चाणक्य बना देंगे, तो चंद्रगुप्त को मरकट लीला करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल वही हो रहा है। इस वक्तव्य से उन्होंने शिवसेना को प्रॉब्लम में डाल दिया। अभी इसके पीछे जो है एक संपादक नहीं बोल रहा है, एक प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, सत्ता की मस्ती बोल रही है, सत्ता की मस्ती बोल रही।
इस एक बात ऐसी होती है ना, उकसाने का मतलब क्या होता है, सामने वाले को मालूम है कि मैं ऐसा कुछ बोलूंगा तो सामने वाला गुस्से में आएगा और मेरे ट्रैप में चला आएगा। शिवसेना तो बार बार संजय राउत के जरिए ट्रैप में चली जाती है, तो यही इसी इसी मामले में वही हुआ है। भाव, क्या ये चीजें उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रही हैं, या वो इतने समझदार ही नहीं है कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संजय राउत लगातार शिवसेना को गर्त में ले जा रहे हैं। शिवसेना का बिल्कुल लगातार लगातार परसेप्शन बहुत खराब हो रहा है, ना केवल महाराष्ट्र में बल्कि महाराष्ट्र के बाहर भी। ये बड़ी रहस्य की बात है महाराष्ट्र में, कि रास्ते पर जो छोटा स्कूल का बच्चा है उसको भी पता चलता है कि संजय राउत शिवसेना डुबा रहा है। सिर्फ शिवसेना के पक्ष प्रमुख को वो समझ में नहीं आता। अब क्यों नहीं आता, यही तो रहस्य है। बड़े शिवसेना के कुछ नेता है, लास्ट टाइम मिनिस्टर थे, ऐसे दो मिनिस्टर से मेरी बात बीच में हो गई, वो भी बोल रहे थे। अगर उनको समझ में नहीं आ समझ में आ रहा है तो उद्धव जी को समझ में आना चाहिए, लेकिन वो चुप क्यों बैठते हैं, ये सब होने क्यों दे रहे, यही तो रहस्य है। ये रहस्य छोटे बच्चे को भी समझ में आ रहा है लेकिन उद्धव जी को नहीं आ रहा है। अभी क्यों नहीं आ रहा है वो तो वो बता सकते हैं। हर बार आप देखिए तो ये शिवसेना को ज्यादा से ज्यादा गर्त में लेके जा रहे हैं और शिवसेना उसमें फंसती जा रही। कंगना जानबूझकर, अभी देखिए जिस दिन का ये मामला शुरू हो गया उस दिन अर्णब गोस्वामी ने रिपब्लिक भारत कर क्या बोला, अरे मैं तो मुंबई में बैठा हूं तो करना है करके दिखाओ। ये क्या कर पाए थे, ये कंगना को बोल रहे कि मुंबई में आके दिखाओ, तो अर्णब ने वो चैलेंज ले लिया, बोला मैं तो मुंबई में घुसकर बैठा हूं मुझे एक्शन लेके दिखाओ। और खुद पवार साहब बोले थे संजय राउत को कि इसको इसको कोई कंट्रोल करो, लगाम दो अर्णब को, क्या लगाम दे सके, तो क्यों नहीं दे सके ये सोचना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सत्ता हाथ में आ गई, कानून अपने हाथ में आ गया तो हम जो करे वो ही कानून है, तो वैसा नहीं होता डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की दुर्दशा ये है कि जिसके हाथ में कानून होता है उसको मालूम नहीं होता कि हाथ में कानून नहीं है, हाथ में कानून की बेड़िया है, हथकड़ी है, आपको रोक देती है वो कुछ करने से। सामने वाला कुछ भी कर सकता है, आप नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं अभी रिया का मामला है या और कुछ है, तो उसमें कानून चलाने वाले अमल में लाने वाले हैं उनको तो हर चीज कानून से करनी पड़ेगी, सामने वाला कानून को लात मार के निकल जाएगा। ये जब हम सत्ता में होते हैं तो ये समझना जरूरी है, शिवसेना जब सत्ता में नहीं थी तब जो जो कुछ कर सकती थी वो सत्ता में होने के बावजूद आज नहीं कर सकती। समझो अब एक बात समझ लो कि उन्होंने कंगना ने बोला है कि मैं 9 तारीख तो आ रही हो, जो उखाड़ना है उखाड़ो, जो करना है करो। अब समझो वो आ गई, शिवसेना के एमएलए ने बोला है कि हमारी महिला आघाड़ी जो है वो इनको पीटेगी, थप्पड़ मारेगी वगैरह वगैरह बोला है, काली पोछेगी। अगर ये करते हैं, समझो अगर ये करते हैं तो जवाबदेही किसकी है, मुंबई पुलिस की तो है ही। मुंबई पुलिस को ऐसा करने वाले पर एक्शन लेना पड़ेगा जो शिवसेना की महिलाएं होगी, और उस पर कार्रवाई कौन करेगा, शिवसेना का गवर्नमेंट करेगा, तो ट्रैप में कौन फंसा मुझे बोलिए। आप अपने पांव से एक ट्रैप में चले जा रहे तो कंगना तो बाजू में बैठेगी। इन्होंने ही निखिल वागले बनाया, निखिल वागले की अकल कितनी है दुनिया को मालूम है, लेकिन निखिल वागले ने जिस ढंग से नया पेपर डब्बे में शुरू किया तो उसको मालूम था अगर शिवसेना कुछ करती है, मुझे पीटती है, मेरे ऑफिस में हमला कर देती है तो देश भर के सब सेक्युलर एडिटर्स मेरे पीछे आके खड़े हो जाएंगे और निखिल वागले बड़ा बन जाएगा।
और शिवसेना उसके ट्रैप में चली गई। आज जो कुछ निखिल वाले का नाम है उसमें अकल कितनी है आप तो देख सकते हो। लेकिन अपना नाम क्यों बना तो शिवसेना ने उसको पीटा। अब पालघर के मामले के बाद इन्होंने अर्णब गोस्वामी को अंग्रेजी और ऑल इंडिया निखिल वागड़े बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप निखिल वागड़े की जो भाषा है, बोली है, बॉडी लैंग्वेज है वो देखिए और अर्णब की देखिए तो आपको पता चलेगा। अभी एक कंगना, मैंने कल ही उस पर वीडियो बनाया, हमारे मराठी में एक कहावत है, घरच झालं थोडं त्यात व्याह्यांनी पाठवलं घोडं। मतलब ये है कि शादी के घर में पहले ही भाग दौड़ चलती रहती है, बहुत काम होते हैं। इसमें अगर आपके समधी ने घोड़ा भेज दिया तो अभी घोड़े को संभालेगा कौन, समझ रहे? तो इनको अर्णब को लगाम लेने नहीं आ रहा है, ये तो नया कंगना बना रहे हैं। संजय राउत ने क्या प्रॉब्लम किया है आप समझ सकते हैं कि अर्णब बोल रहे कि मैं मुंबई में घुसा बैठा हूं, जो करना है करके दिखाओ, वो तो नहीं कर पा रहे, और कंगना को नया घोड़ा बना रहे, तो इनको बचाएगा कौन? कंगना ने सिर्फ ये कहा था कि मुझे अब मुंबई में असुरक्षा का भाव लगने लगा है, क्योंकि वहां पर सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, इसी तरीके से बाकी लोग भी अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस पर संजय राउत ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मुंबई ना आए। उसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री और दो कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग मुंबई छोड़ दें। मतलब किसी प्रदेश का गृह मंत्री, जिसकी जिम्मेदारी हर नागरिक की सुरक्षा होती है, सुरक्षा की गारंटी उसके हाथ में होती है, वो अगर इस तरह के वाहियात बयान देने लगे तो आपको गृह मंत्री रहने का अधिकार है क्या? उनको तो ये बयान देना चाहिए था कि जिनको भी असुरक्षा का भाव आ रहा है वो हमें बताएं, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन किस तरह का मैसेज ये लोग दे रहे हैं पब्लिक को भी, जो बंबई में रह रही है, जो महाराष्ट्र में रह रही है और मुंबई के बाहर भी। देखिए संजय राउत थोड़ी अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन जो आशय है वही तो अनिल देशमुख बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैंने बोला ना कि क्या नहीं बोलना चाहिए इसका इनको पता नहीं है, तो वही बोल देते, वही बोल देते। मुझे वो समझो 8-10 साल पहले की बात है, लोकपाल वगैरह जोरों में चल रहा था, फिर आम आदमी पार्टी बनी थी, तो हिंदुस्तान टाइम्स के शायद संपादक थे विनोद शर्मा, उन्होंने एक आपके प्रवक्ता को बताया था कि भैया आज तुम्हारे दिन है, तो जो बकना है बको, लेकिन एक ध्यान में रखो, जो मीडिया सर पर उठा के नाच रहा है ना, वही ऐसे पटक देगा कि कहां जाकर छुपे ये आपको पता नहीं चलेगा। ये विनोद शर्मा ने बोला था, पॉलिटिकल एडिटर थे वो उसके। हाँ, तो बात ये होती है कि हमको क्या बोलना है ये ध्यान होना चाहिए। आप देखो न्यूज कर्मी है, जो पत्रकार है या कोई मीडिया है, उसको हेडलाइन देने का काम राजनेता का होता नहीं। इनको ऐसा लगता है कि हम अगर उनको हेडलाइन नहीं दे देंगे तो साले भूखे मर जाएंगे। तो रोज उनको हेडलाइन देने का काम करते, यानी कि सामने कैमरा आ गया तो ऐसा कुछ बोलना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो जाए, खलबली मच जाए, उसकी जरूरत होती नहीं है, होती नहीं है। उल्टे तुम लोग फंस जाते हो, क्योंकि सामने वाला, देखिए मोदी जी ने 2005 या 6 से मीडिया से बोलना ही बंद कर दिया, आगे चलकर उन्होंने बोलना बंद कर दिया तो मीडिया इतना पूरा का पूरा डाउनग्रेड हो गया, पूरा का पूरा डाउनग्रेड हो गया। मोदी का नुकसान तो होगा ना, वो तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर से वो तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्यों चुप बैठे?
उनको मालूम था कि मैं, और ये सचिन तेंदुलकर की बात ले लो, उस पर जब टीका टिप्पणी होती थी तो बोलते मैं ऐसे टीका का जवाब या निंदा का जवाब दूंगा नहीं, मेरी बैट जवाब दे। जी जी, तो आपका जी, काम जवाब देना चाहिए, लेकिन इनका काम ही बोलना है तो काम करेंगे कब, काम करेंगे कब? और बार बार भाव ये संदेश देना, ये संकेत देना, ये धमकी देना कि मुंबई जैसे हमारी है, महाराष्ट्र जैसे हमारा है, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हमारे ही हैं, और अगर कोई मुंबई पुलिस पर भी टीका कर रहा है, कोई शिवसेना पर भी कर रहा है, कोई उद्धव ठाकरे पर भी कर रहा है, तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज की ओट में आकर के छिपने लगे और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बताना शुरू कर दें, ये क्या मतलब है इसका? नहीं नहीं, इसका मतलब है कि हमारी कोई इज्जत है ही नहीं। हमें देखकर गाली देते तो ठीक है ना। देखिए, जो मंदिर में हम जाते हैं वहां जो पुरोहित होता है, तो वो तो क्या बोलता है कि भगवान को मानते हो ना, यहां कुछ रखो, लेंगे तो हम लेंगे। तो इनको भगवान के पीछे छुपना पड़ता है, तो इनको भी शिवाजी महाराज के पीछे छुपना पड़ेगा। आप अलग तरीके से उनके तरफ देखो, वो बोले हमारी इज्जत ही नहीं है, शिवाजी महाराज की तो इज्जत करो। इसका दूसरा मतलब भी आप समझिए कि इनका इनका ये मानना है। हम अगर इस ढंग से उनको पूछे ठीक है, हम अगर आपको बोले और शिवाजी महाराज का अपमान हो रहा है, तो आप महाराज जैसे कुछ कुछ कर्तव्य कर्तव्य दिखाइए। आपके आपके तो है नहीं, क्योंकि शिवाजी महाराज की एक बात आपको बोलो, रांझे पाटिल नाम के कोई उस समय के थे, तो उन्होंने किसी लड़की को, औरत को उठा के बलात्कार वगैरह कुछ किया था, तो उनको बोले इसको मार दो। महाराज ने न्याय दिया था तो बोले इसको फांसी लटका दो। तो उनके कोई नजदीकी सरदार थे, तो बीच में हो गए कि एकदम फांसी मत दो, तो बोले कोई बात नहीं, महाराज ने उस पर अल्टरनेट इसके हाथ पांव तोड़ दो। तो वो शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज वो थे कि ठीक है फांसी नहीं तो इसके हाथ पांव तोड़ दो, तो जिन्हें में मजाक ही कुछ बचता ही नहीं। तो वो शिवाजी महाराज, और ये जिसको बोल रहे कंगना के बारे में जब बोलते हैं तो उनको वो शिवाजी महाराज मालूम नहीं है। लेकिन जब देखिए, आप आपके मन में जब पाप होता है तभी आपको भगवान याद आता है। ईश्वर की प्रार्थना पर करते हैं कि आपको लगता है कि मेरी कुछ गलती हुई है, आपको अभी के अभी शिवाजी महाराज क्यों याद आ गए? बिल्कुल सही कह रहे, आप अपने आप हमारा अपमान हुआ क्यों नहीं बोलते? आप बोलिए हमारा अपमान हुआ है, महाराष्ट्र का अपमान हुआ, बोलिए महाराष्ट्र तक क्यों जाते हो? क्योंकि जो महाराष्ट्र शिवाजी महाराज ने बनाया था, उसकी जो दुनिया भर इज्जत थी, उतनी इज्जत हम बचा नहीं पाए। ये सच्चाई बोलिए, पूछना है ना तो उनका उनको बाकी की बातें छोड़ो, संजय राउत के पूछना चाहिए कि शिवाजी महाराज का जो महाराष्ट्र था वो तो अफगानिस्तान में अटक तक पहुंचा था, उड़ीसा तक पहुंचा था, नीचे तंदावर तक पहुंचा था, वो कहाँ है? उस समय अगर हमारे सातारा डिस्ट्रिक्ट के सिंधी ग्वालियर तक पहुंच गए, वहां के राजा बन गए, तो आज हमारे शरद पवार दिल्ली में जाके प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनते? इसकी शर्म क्यों नहीं आ रही है? महाराज की बात छोड़ दो, आज के जो है उनके बारे में बोलो। तो महाराज तक जाने की जरूरत, वो तो इतिहास पुरुष है। ऐसे कोई कंगना वगैरह बोलने से कुछ नहीं होता। आप दिखाइए कि आज के महाराष्ट्र की इज्जत क्या है। जो कुछ हो रहा है, अगर मुंबई पुलिस ने मुंबई पुलिस की पूरी इज्जत खत्म कर दी है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, यानी कि महाराष्ट्र को
दिल्ली की दरबार में न्याय मांगने जाना पड़े, ये तो महाराज की जो वा, वा, परंपरा है उसको आपने कलंकित किया, ये कोई नहीं बोल रहा है। मुझे वो अजीब लगता है कि संजय राउत को अगर महाराष्ट्र के बाहर के लोग कुछ पूछे तो ये पूछे कि शिवाजी महाराज और मराठा शाही जो थी उन्होंने कहां तक लोगों को न्याय दिया है जाके, और आज आप ऐसी बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ होता है तो उसको दिल्ली जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तो आपने महाराष्ट्र की कितनी बेइज्जत कर दी, ये पूछना चाहिए। भाव आपकी दृष्टि से इस पूरे प्रकरण में शिवसेना ने कौन कौन सी बड़ी गलतियां की हैं जिनका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है? अगर सबसे पहली गलती है तो उद्धव ठाकरे जी ने पवार साहब के आग्रह से चीफ मिनिस्टरशिप मान ली। देखिए पवार साहब की राजनीति अब बारकाई से देखे, छोटी छोटी घटनाएं देखते जाए तो पवार कुछ भी देते हैं उससे 100 गुना मिलते हैं। तो ये अगर चीफ मिनिस्टरशिप आपको दे रहे हैं इसका मतलब लेने वाले क्या है ये सोचना जरूरी था, वो तो आपने सोचा नहीं, वहीं से हालत शुरू हो गई। अब खुद शिवसेना में और कांग्रेस में लोग बोलते ये तो गवर्नमेंट एनसीपी की चल रही है, नाम के लिए उद्धव ठाकरे बैठे, नाम के लिए बैठे, तो वो पहली गलती थी। तो बाकी की गलती होना बिल्कुल यानी कि कोई चारा ही नहीं था, गलतियां होते ही जाएगी। अब देखिए कि अनिल देशमुख एनसीपी के गृहमंत्री है जी, लेकिन बदनामी किसकी हो रही है, वो सब अपने पर लेके झगड़ा शिवसेना क्यों कर रही है, और शिवसेना का मतलब सिर्फ संजय राउत है, बाकी तो मुझे आप बताइए कि आप 5 मुझे ऐसे शिवसेना के नेता बताइए कि जो इसके जवाब दे रहे, कुछ कर रहे, कुछ दिखाई दे रहे, कोई नहीं। शिवसेना का मतलब शिवसेना हो गई, आप एक 20 साल 15 साल पीछे चले जाइए, शिवसेना का अगर कोई किसी का न्यूज आती थी तो क्या आती थी, शिवसैनिक ने इसको मारा है, ये किया है, वो किया है। आजकल शिवसेना की न्यूज आप पढ़ते तो क्या होता है, आज सामना में ये आया है। शिवसेना कुछ करती नहीं है, सही, जो कुछ सामना में लिखा जाता है उसको ही आप शिवसेना मानकर चल रहे, वो शिवसेना है नहीं। आप 15 साल पीछे जाके देखिए, सब पुराने न्यूज़पेपर निकालिए, यूट्यूब पर जाके अलग अलग चैनल के शायद ये मिलेंगे तो देखिए क्लिप, किधर जाके शिवसेना ने दंगा किया, उठो पीटा, कुछ अच्छे भी काम किए हैं, ये सब मिलेगा आपको। शिवसेना ने एम्बुलेंस चलाई है, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। अब मुंबई में जब बम फटे थे तो सबसे पहले रिजर्व बैंक में इनकी एक यूनियन थी, वहां सबसे पहले रक्तदान की मुहिम शुरू हो गई थी। ऐसा कुछ आजकल पढ़ते, आजकल आप जो पढ़ रहे हैं, तो आज सामना में क्या आया तो शिवसेना ये बोल रही। तो मुझे कभी कभी शक होता है कि 2 दिन से कुछ चैनल पर कुछ पेपर में कुछ शिवसेना सामना का आया नहीं, इसका मतलब शिवसेना बंद हो गई, क्योंकि बाकी तो कुछ शिवसेना करती हमने सुना ही नहीं है। आप मुझे बोलिए 8-10 महीने में आपने कहीं पढ़ा है शिवसेना ने कुछ एक्शन किए, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। सामना में जो आता है यानी सामना का मतलब शिवसेना हो गई, बाकी शिवसेना है ही नहीं, तो गलती क्या समझ रहे आप? आप सामना चला रहे, शिवसेना नहीं और सरकार भी नहीं चला रहे, चल रहा है जो सामना है, तो गलती और क्या ढूंढेंगे आप? जैसे कांग्रेस का ट्विटर चलता है, बाकी कांग्रेस है का? हाँ खत्म हो गई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं है, क्या बिल्कुल विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं कि जब 9 सितंबर को कंगना रनौत मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरेगी तो वहां पर क्या आलम होगा, क्या दृश्य होगा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मीडिया वहां पर होगा, भारी जमावड़ा होगा,
जिस पुलिस को वो क्रिटिसाइज करके मुंबई में लैंड करेगी, उस पुलिस को उसको सुरक्षा देनी पड़ेगी, उसको एस्कॉर्ट करना पड़ेगा, उसके घर तक ले जाना पड़ेगा। ऐसे और में अगर वहां ये में शिव सैनिकों को लाठियां भी उन्हीं मारनी पड़ी। बिल्कुल, तो क्या इनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि उस समय मंजर क्या होगा? और जो इन्होंने थ्रेट दिया है कि आप मुंबई आकर के दिखाएं, हम देख लेंगे, ये क्या देख लेंगे? वही तो बोल रहा हूं ना, अर्णब गोस्वामी बोला मैं तो यही बैठा हूं, मुझे लगाम लगाने वाले थे कहां गए। वो तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं ना, वायरल उसकी चैनल पर जो कार्यक्रम हुआ उसकी जो क्लिप है वो तो वायरल हो गई है। लेकिन केवल होता तो है क्या, सत्ता की मस्ती इतनी होती है। अब आपको वो बोल दूं क्या, शोले शोले पिक्चर में एक सीन था, वो जगदीप ने किया था ना, वो गांव में बैठे लोगों को बड़े बड़े छोड़ता है। अरे वो तो क्या सुहरवा, है, वो तो क्या है, वीरू क्या है, जय क्या है, उसको मैंने ऐसा घुमाया, वो तो पीछे खड़े होते हैं। और बाद में बोलते हैं अरे क्या बोल रहा है, तो बोलते हैं आपकी जूती और मेरा सर। तो लेकिन जब बोलता है तब उसकी जुबान देखो, उसका आवाज देखो। तो इन्होंने शिवसेना बिल्कुल हास्यास्पद बना दी। एक जमाना था कि शिवसेना बोलेगी तो मुंबई हलेगी, आज तो ये बिल्कुल यानी जोक बन गया है शिवसेना। और वो जोक जोक बनाने वाले खुद जोकर संपादक बनकर बैठे, तो करे क्या। अब इसको रोकेंगे तो इतना मामला हुआ है कि उद्धव ठाकरे घर से बाहर नहीं निकलते, तो उनके पास जो चार आदमी आकर बैठते हैं उनके विश्वास के हैं, जो बताएंगे वही तो दुनिया है। अब देखिए मराठी मीडिया की हालत देखिए कि मराठी मीडिया इस गवर्नमेंट की गलतियां भी नहीं दिखाता। वो काम तो अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस और प्रवीण दरेकर कर रहे कि भाई यहाँ एक कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ कोई वेंटिलेटर नहीं। ये एक्चुअली जर्नलिस्ट का काम है मराठी। बिल्कुल बिल्कुल, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर वो दोनों अपोजिशन लीडर वहां जो कमियां हैं खामियां हैं वो बता रहे। ये तो एक्चुअली पत्रकार का काम है, जर्नलिस्ट का काम है, वो अपोजिशन लीडर कर रहे। और फिर सामना में आएगा ये राजनीति कर रहे। अब जो परसों एक 4 दिन पहले एक पत्रकार ही बेचारा मर गया, उसमें उसको कोविड सेंटर 7 दिन पहले जिस कोविड सेंटर का उद्घाटन हुआ था उसी में भर्ती होकर हमारा एक पत्रकार रायकर, पांडुरंग रायकर, वो बेचारा मर गया। तब जाके चिल्लाने लगे इधर कुछ। अभी उस दिन जब जब उद्घाटन हो रहा था तो देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार एक ही मंच पर है, तो क्या होगा क्या नहीं इस पर न्यूज बनी। लेकिन कोविड सेंटर जो बना 800 बेड का, उसमें कोई सुविधा है कि नहीं, उस पर एक भी रिपोर्ट और न्यूज नहीं आई। तो मीडिया की हालत देखो, सामना की बात तो है ही, लेकिन पूरा मीडिया ही मराठी मीडिया ही सामना बन गया है। और जब हमारा ही एक साथी मर जाता है तब हम चिल्लाते यहाँ ये नहीं था, एम्बुलेंस नहीं थी, एम्बुलेंस थी तो उसमें ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन था तो उसमें डॉक्टर नहीं था। तो वहां से लेकर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में अस्पताल लेके जाने के लिए 5 घंटे निकल गए और उसने दम तोड़ दिया। लेकिन दम तोड़ने के बाद सब पत्रकार चिल्लाने लगे। तो ये तो मामला 5 7 6 महीने से है, तो अब तक क्यों नहीं हो रहा था। और जो बोल रहा था ये तो करना चाहिए पत्रकारों ने, लेकिन पत्रकार तो नहीं कर रहे थे। कर रहे थे कौन, अपोजिशन लीडर। तो उनको पत्रकार ही चर्चा में लाते हो, आज आप इस पर राजनीति क्यों करते हैं। अरे अगर बेड कम है, वेंटिलेटर नहीं है, उस पर अपोजिशन बोलेगा नहीं तो कौन बोलेगा। असल में ये तो पत्रकारों ने बोलना चाहिए, लेकिन मीडिया तो नहीं बोल रहा था। भाव केवल दो लोगों ने, कंगना रनौत और अर्णब गोस्वामी ने, शिवसेना सरकार को, इस 3 दलों की सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है। और ये अब उनके पीछे भी किसी और को तलाश कर रहे हैं कि शायद अर्णब गोस्वामी के पीछे भी कोई और ताकत है,
कंगना रनौत के पीछे भी कोई और ताकत है, लेकिन आईने की आप धूल साफ कर रहे हैं जबकि धूल आपके चेहरे पर है। बिल्कुल 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 नहीं, एक उनके पीछे तो कोई है ही, वो तो सवाल ही नहीं है। देखिए, इतना बड़ा एक स्टेट गवर्नमेंट से लड़ना छोटी बात नहीं है, इनके पीछे तो कोई है, लेकिन उनको आप रिस्पॉन्ड क्यों कर रहे हो, वो बोलिए। आप अगर उनको इग्नोर करेंगे, देखिए 2002 के दंगे थे, उसके बाद 3 या 4 साल मोदी को पूरे के पूरे मीडिया ने ट्रोल किया। राजदीप ने तो एक इंटरव्यू में कबूला है कि हमने उनको ट्रोल किया, हमने उनकी मीडिया ट्रायल चलाई है। राजदीप ने भी कबूल किया है, एक आर्टिकल में बरखास्त में ने भी माना है। तो उन उसका सामना, वो जितना जवाब देते थे उतना कुछ ना कुछ निकाल कर उनको फंसाते थे। लेकिन मेरा ख्याल है 2005 के बाद मोदी ने इनसे बोलना ही बंद कर दिया और यही खत्म हो गए। अगर कंगना को या अर्णव को खत्म कर रहे तो चुप बैठो ना, चिल्लाने दो, कितने चिल्लाएंगे कितने। अभी एक बात मुझे बोलिए कि 10 दिन पिछले 10 दिन जो सुशांत सीबीआई एनसीबी चल रहा है, तो राहुल गांधी चुप हो गए क्या? बिल्कुल राहुल गांधी ट्विटर पर कुछ नहीं लिखते, तो उससे भी अच्छा मसाला है तो राहुल ने क्या लिखा ये फिर एनडीटीवी वगैरह दिखाएंगे। बाकी तो कोई नहीं दिखा रहे, कि उसको टीआरपी है ही नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है तो चलो आज ये भी लगा दो। सही है। तो अभी अभी मुझे आप बताइए कि ये सुशांत का मामला, रिया चक्रवर्ती, एनसीबी, ये राहुल को न्यूट्रलाइज करने के लिए चल रहा है? आप उल्टी बात सोचिए, जो रोज हर दिन राहुल गांधी कुछ तो बोलते हैं और जो न्यूज चलती थी वो तो पिछले 10 दिन से गायब हो गई, लेकिन वो तो ट्विटर पर लिखते, बिल्कुल बिल्कुल तो उसके पीछे कौन है ये सोचो ना। अर्णब या कंगना हो या सुशांत का मामला हो, इस पर हर मिनट में एक ब्रेकिंग न्यूज बन रही है, तो उससे तो राहुल गांधी कहां पर गए पता ही नहीं लग रहा है। इसका मतलब सही उसके पीछे तो कोई है। तो वो अगर देखिए उसके पीछे अगर कोई है तो हमको वो उसको समझ कर भी हमारी हमारा गेम खेलना चाहिए, लेकिन आप तो उनके गेम में चले जा रहे हैं अंदर अंदर। कंगना जो कर रही है, अर्णव कर रही है, उनके पीछे कोई जरूर है, लेकिन जब आप उनका हेतु सफल करने के लिए मेहनत करते हैं, अगर संजय राउत कुछ नहीं बोलेंगे, शिवसेना चुप बैठेगी इसके मामले में और अच्छा कोरोना के लिए काम करेगी, तो इनको चिल्लाने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। महागठबंधन के लिए 1.5 साल से, 2018 से लेकर 2019 तक 1 साल महागठबंधन है, वो है, ये है, कितनी बातें निकली, मोदी ने ध्यान नहीं दिया, मोदी ने ध्यान नहीं दिया। उस वक्त मैंने एक आर्टिकल लिखा था, एक जी आर्टिकल लिखा था, उसका हेडिंग शीर्षक ही ऐसा था कि मोदी को हारना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग, वो बहुत वायरल हो गया। तो मैंने लिखा था कि मोदी को अगले साल 365 दिन रोज हारना पड़ेगा, क्योंकि उनको 23 मई को जीतना है, उस दिन नहीं हारना है, क्यों 23 मई को काउंटिंग होने वाला है, उस दिन मोदी को जीतना है, बाकी हर दिन उनको न्यूज़पेपर में मीडिया में हारना ही पड़ेगा, तभी जाकर वो 23 मई को जीतेंगे। तो ये जो मोदी है वो समझ लेना इनको जरूरी है, नहीं तो ये मोदी से लड़ भी नहीं सकते। तो जी जी मोदी मोदी को अगर नहीं समझ पा रहे हो तो तुम कंगना और अर्णब को क्या समझोगे? सही बात, लेकिन वो सही बात। मामला अलग है, उस पर कोई ये अभी फेसबुक वगैरह चल रहा है, सोशल मीडिया, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये मोदी की एक चालाकी मुझे अजीब लगती है। ये मोदी हमेशा इनको चिल्लाने के लिए कुछ हड्डी डाल देते हैं, इस पर झगड़ते बैठ जाओ,
और अपना काम चला देते थे। और इनको अभी 5-6 साल के भी बात पता नहीं चल रहा है कि ये आदमी है क्या, ये आदमी है क्या। तो ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है ये अपने आप उसमें फंसते जा रहे, अपने आप फंसते जा रहे। और पवार साहब बैठे दिल्ली, पिछले जब से सीबीआई आई है उसके बाद पवार साहब का कोई स्टेटमेंट आया है? सिर्फ एक बयान दिया था। तो वो समझ रहे क्या हो रहा है सरकार, और उनको समझ में आ रहा है कि अगर इस समय अगर मैं शिवसेना या इस गवर्नमेंट को बचाने के लिए कुछ भी करने जाऊंगा तो खुद मैं भी फंसूंगा। ये बहुत बड़ा प्लान है जी, मुझे मालूम नहीं, मेरे सामने भी साफ नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ बहुत बार बात की है मैंने, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि पटना में जो एफआईआर दर्ज हुआ उससे मामला बिल्कुल कुछ बदला है, और इसके पीछे बहुत कोई बड़ी बात है। क्या है वो सोचना जरूर, सोची समझी रणनीति है जरूर। भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला चैनल के लिए और बहुत विस्तार से इस पूरे प्रकरण पर लोगों को समझाया, जुड़ने के लिए बहुत आपका आभार।